नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टारगेट फॉर गवर्नमेंट जॉब। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चंस जो HSSC के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? 9 जुलाई 1970 को। सेकेंड, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? ये लगता है सूरजकुंड फरीदाबाद में, जो कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगता है प्रतिवर्ष। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, हाँ, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? यह पंडित लक्ष्मी चंद। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में उपस्थित है? यह है गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यह है यमुनानगर में। सेवन्थ क्वेश्चन है, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? यह भोरचौंदा कुरुक्षेत्र में। एट क्वेश्चन है, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है पिंजौर पंचकुला में। नाइन्थ क्वेश्चन है, हरियाणा में मोर एवं चिंकारा, यह है झाबुआ रेवाड़ी में। टेंथ क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? यह बिनौला गुड़गांव में बन रही है। इलेवंथ क्वेश्चन है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह जाटपाली महेंद्रगढ़ में है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? यह है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट अक्षांश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? यह 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। 14th क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? यह है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए? यह हरियाणा ही है। नेक्स्ट है, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या पूछी गई है इसमें, जो कि है 253.53 लाख। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात पूछा गया जो कि 877 है। अगर करंट का पूछा जाए तो यह 900 से पार हो गया है, 915 के आसपास है लगभग शायद। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 577। हरियाणा, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? यह सन 1858 में। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? यह देसी आयोग था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रतिवर्ष 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? ये हरियाणा में है। रजिया बेगम का कत्ल हुआ कैथल में। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? 1240 में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा हुआ था 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता था? ये महेंद्रगढ़ में। सरसा सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा है नारनौल में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 है और ये हुआ था हेमू और अकबर के बीच में और इसमें अकबर की विजय हुई थी। भाखड़ा डैम के जन्मदाता किसको कहा जाता है? यह है चौधरी छोटू राम। हरियाणा में कितने मंडल हैं? ये पुराना क्वेश्चन है, वैसे अभी 6 हो गए हैं। मंडल से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी जो कि इसमें मैक्सिमम गलत मिलेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा का 21वां जिला कौन कब और कौन सा बना था? 21वां जिला है पलवल, 13 अगस्त 2008 को बना था। और अभी नया जो है, जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो चरखी दादरी है जो कि दिसंबर 2016 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय अन्य शहर में स्थित है? यह महेंद्रगढ़ का नारनौल में। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है कहाँ है जो 2035 करोड़ रुपये की लागत से बना गया? यह बाढ़ सदर में। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? यह गोरखपुर फतेहाबाद में। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है कर्णम मल्लेश्वरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत में हरियाणा का स्थान है 20वां। हरियाणा का लोहपुर से चौधरी बंसीलाल। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य है यह हरियाणा ही है। सन 2010 में इसको बनाया गया था। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया था? यह सिरसा में। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? यह अरावली पहाड़ियों का। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? यह 17वें संशोधन में हुआ था। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? यह 17वें राज्य के रूप में आया था। नेक्स्ट आपका, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र है 1559 वर्ग किलोमीटर। इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है पानीपत में। राव तेज सिंह का तालाब है रेवाड़ी में। राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है रेवाड़ी में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? यह महेंद्रगढ़ में। अगर आप लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
तो ये शायद किसी किसी बुक में भिवानी भी दिया हुआ है, लेकिन इस बुक में ये महेंद्रगढ़ दिया हुआ है। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। हरियाणा के किस जिले में नारसिंह स्टेडियम या म्यूर स्टेडियम बोला जाता है इसे स्थित है? फरीदाबाद में। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1967 में। दूसरी बार लगा था 1977 में और तीसरी बार 1991 में, ये याद रखना हमें। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? यह है हिसार। महाभारत की रचना वेद व्यास ने हरियाणा के किस नगर में की थी? यह है कुरुक्षेत्र। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? यह है करनाल और फरीदाबाद। जनवरी 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह है गुड़गांव में। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये की है 8वीं पास। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय होना अनिवार्य ये किया है? हरियाणा में। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर है प्रणीति चोपड़ा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? क्रमशः है, स्वर्ण के लिए 6 करोड़ है, रजत के लिए 4 करोड़ है और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ है। नेक्स्ट है, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया? यह है हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बैंक खाता में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया? यह है थारी पेंशन थारे पास। हरियाणा कितना क्षेत्रफल NCR के अंतर्गत आता है? यह है 57%। हरियाणा के कितने जिले NCR के अंदर आते हैं? यह 13 जिले। हरियाणा कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? यह है गुड़गांव में। नेक्स्ट का नाम हमारा हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कहाँ स्थित है? ये पिंजौर, पहले अम्बाला में थी, अब जो कि पंचकूला ज़िले में है। नेक्स्ट है, देश की पहली CNG ट्रेन चली थी रेवाड़ी में। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? यह है 10,000 रुपये। नेक्स्ट है, हीरो मोटर कोप का कारखाना हरियाणा में कहाँ स्थित है? यह धारवाड़ा रेवाड़ी में है। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है? झज्जर जिले के जादगढ़ में। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? यह रेवाड़ी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1975 में। नेक्स्ट है, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? यह फरीदाबाद में। हरियाणा का कौन सा जिला कागज़ और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंददास का छत्ता या बिरबल का छत्ता है नारनौल में। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान है सीही फरीदाबाद में। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर है? अम्बाला में। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का है 1.3%। नेक्स्ट है, आकाश रोहतक की स्थापना 1976 में हुई। हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में है और किस नदी पर? ये यमुनानगर में, यमुना नदी पर है। हरियाणा में मारुति कार कहाँ बनती है? गुड़गांव में। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य प्रदेश। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुड़गांव। हरियाणा के असरी कौन कहलाता है? पंडित नकीराम शर्मा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? ये है धर्मवीर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनने वाले किस जिले में स्थित है? हिसार, जो कि अभी फतेहाबाद में है। इसका आंसर HSSC अभी तक इसको हिसार ही मान रही है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है भिवानी, जो कि यह पुराना क्वेश्चन है, जो कि अब सिरसा हो गया। सिंधु सभ्यता का केंद्र मित्थल किस जिले में स्थित है? भिवानी में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दास शर्मा। थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? यह हर्षवर्धन की। तो दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चन हरियाणा जीके के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको डेली ऐसी ही वीडियो मिलेगी जिसमें हरियाणा जीके और अन्य अदर दूसरी जीके के क्वेश्चन भी हम डालेंगे। अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी या किसी अन्य HSSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।